रूही रूही क्या हुआ, क्यों रो रही है? पापा भी तो रो रहे हैं। पापा? हाँ, उन्होंने दादी को कहा था कि मैं इश्मा के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है आदि भैया, इश्मा वापस नहीं आ पाएंगी? नहीं नहीं पापा, जरूर कुछ करेंगे। जब से इश्मा गई है पापा बहुत सैड है, अब उन्हें कैसे चुप कराएंगे? वो दादी को कह रहे थे वो इश्मा की हेल्प नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। तो हम क्या कर सकते? ये देखो भाई, तो तुम दोनों की बदमाशियां अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, इतनी रात को जागे हो। वैसे अच्छा ही है, मैं भी बोर हो रहा था। चलो ठीक है, साथ में बैठ के गप्पे लगाते हैं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि पापा के चेहरे पे स्माइल कैसे लाए जाए। आपको कुछ सोचना होगा, हमें आपकी हेल्प चाहिए चाचू। अच्छा है ना कि हम तीनों साथ में सोचते हैं, और अगर हम तीनों सोचेंगे तो आइडिया और भी अच्छा आएगा। चलो सोचते हैं। क्या करें? आइडिया बता। आपको मेरी हेल्प करनी होगी, करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, तेरी हेल्प नहीं करूंगा ऐसा हो सकता है? बता बता। बिल्कुल चाचू पे गई है। सो स्मार्ट। डन डन डन। नीलू चाल, रूही का टिफिन पैक कर दे। अब कर। कितना धीरे काम करती है, मेरी कॉफी भी नहीं चढ़ाई है। अभी बना। अरे रुको, पापा जी की चाय में चीनी नहीं डालते। मैं भूल गई थी। रूही आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। मैं रूही नहीं हूँ, मैं इश्मा। दिखता नहीं किया तुम्हें? अच्छा एक काम करो, आदि को मिल्कशेक दो, रमन अभी आते ही होंगे, उनका नाश्ता जल्दी तैयार करो, वरना तो वो बिना नाश्ते के चले जाएंगे। अभी लगा देती हूँ नाश्ता। हाँ गुड गर्ल। हाय मैं सबते जाऊँ, कैसी कैसी हरकतें करती है पगली। मैं रमन को दिखाती हूँ कि देख अपनी बचुंगड़ी को क्या कर रही है। और नीलू। हाँ इसको मेरी कॉफी में डालो जल्दी। ठीक है। क्या कर रहे हो? अरे मुझे चल तो सही था। ठहर। क्या कर रहे हो माँ, हाथ तो हट। होन देख आप भी। पराठे खा लेना, आधा मत बचाना। अरे अम्मा आप भी आ गए। आज सुबह सुबह मेरे पास आई और बोलने लगी पार्टी पार्टी, मुझे ईशिमा जैसी साड़ी पहनाओ। मैंने बोला गिर जाओगी, माना नहीं। कितनी सोनी लग रही है ना मेरे पुत्र। रमन तुम फरी मत करना, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करे, क्योंकि मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व इसी तक करती थी। मैं इश्मा नहीं, मैं
इशिता, उफ़ो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, तुम रूही बन जाओ, इशिमा को मैं कर लिया। ये क्या है रूही, तुम क्या किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रही हो? नहीं, मैं इशिमा बनी। ऐसे ऐसे साड़ी पहनने से तुम इशिमा बन जाओगी? बचपना छोड़ो यार। मैं बच्ची हूँ, फिर बचपना कैसे छोड़ सकती हूँ? सारिका, रूमी, ये सब तमाशा तो यहाँ पर चलता ही रहता है। नीलू, जब ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएं तो मेरे रूम में मेरे लिए नाश्ता दे जाना। मेरे पास तो इन फालतू ड्रामों के लिए टाइम नहीं। रूही, कोई गलती नहीं है, छोड़। सिया औरत है ये सारी का। बच्चों के मुंह लगती है, शर्म भी नहीं आती। वाह यात्रा हुई थे। उफ़ो, मैं तो भूल ही गई, मुझे स्कूल जाना। मुझे भी जाना। तो नाश्ता तो कर ले। नहीं मामा, नाश्ते के लिए टाइम।